मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। क्रिकेट सट्टा अड्डे पर छापा, दो गिरफ्तार, युवती से 1,36,000 की ठगी, साझेदार बनाकर 15 लाख रुपए ठगे। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। क्रिकेट सट्टा अड्डों पर छापा, दो गिरफ्तार। गिट्टी खदान में क्रिकेट सट्टा अड्डों पर पुलिस ने मारे छापे में बुकी शीतल बोरकर को गिरफ्तार किया। शीतल वीवो आईपीएल 2021 के पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले जा रहे 2020 मैच खाईवली और लागवली कर रहा था। पुलिस उपायुक्त विनीता साहू के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार 30 अप्रैल को गुप्त सूचना मिलने पर गणेश नगर दाबा बस्ती में आरोपी शीतल बोरकर भीवसन खोरी बस्ती बुद्ध विहार के पीछे निवासी के यहां छापेमारी की। पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे की सामग्री सहित करीब 75,810 रुपए का माल जब्त किया है। शीतल के खिलाफ गिट्टी खदान थाने में मामला दर्ज किया गया। वरिष्ठ थानेदार गजानन कल्याणकर ने कार्रवाई की। तो वही दूसरी युवती से 1,36,000 की ठगी, शादी का झांसा देकर महिला को ठगने का मामला उजागर हुआ है। घटना को ऑनलाइन अंजाम दिया गया। रविवार को अजनी थाने में 4 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। पीड़िता 28 वर्ष महिला अजनी क्षेत्र निवासी है। युवती ने मेट्रो मोनी वेबसाइट पर शादी के लिए अपना बायोडाटा दिया था। राहुल जय बवीन बंगलुरु निवासी नामक व्यक्ति ने युवती से ऑनलाइन संपर्क कर उससे शादी करने की इच्छा जताते हुए उसे बताया कि वह इंजीनियर है, ईरान की कंपनी के लिए अमेरिका में काम करता है, लेकिन अब वह भारत में शिफ्ट हो रहा है। 4 फरवरी से 17 मार्च 2021 के बीच राहुल ने युवती को बताया कि वह भारत आया है और दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने उसे पकड़ा है। उसके पास 90 यूएस डॉलर है, जो भारतीय मुद्रा 66 लाख रुपए होते हैं। डॉलर को भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करने तथा होटल में रुकने के लिए उसके पास भारतीय चलान के नोट नहीं है। पीड़िता को उस पर विश्वास हो, इसीलिए राहुल ने अपने साथियों की कस्टम ऑफिसर के रूप में पीड़िता से बात कराई। झांसे में आई पीड़िता ने राहुल के बताए हुए बैंक खाते में 1,36,000 रुपए जमा कर दिए, लेकिन अभी तक राहुल नागपुर नहीं आया है। पड़ताल करने पर ठगे जाने का पता चला। रविवार को प्रकरण दर्ज किया गया। तो वही तीसरी ओर साझेदार बनाकर 15 लाख रुपए ठगे। नोटबुक व रजिस्टर बनाने का कारखाना शुरू करने का लालच देकर एक प्रॉपर्टी डीलर से 15 लाख की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी संदीप जैन है। प्रॉपर्टी डीलर जय पोतदार की शिकायत पर संदीप के खिलाफ नंदनवन पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित सीमेंट रोड गुप्ता नंदनवन निवासी संजय नटवरलाल पोतदार है। पोतदार का प्रॉपर्टी खरीदी बिक्री का काम है। आरोपी संदीप संतोष जैन वेंकटेश नगर नंदनवन निवासी ने संजय के साथ 28 दिसंबर 2017 से नवंबर 2020 के बीच धोखाधड़ी की। संजय ने पुलिस को बताया कि संदीप की स्टेशनरी दुकान है। आरोपी का बेटा स्टेशनरी व्यवसाय शुरू करना चाहता था। संदीप ने कारखाने के लिए जगह भी देख ली थी। संदीप को बेटे का व्यवसाय शुरू करने के लिए 30 लाख रुपए की जरूरत थी। संदीप ने संजय के सामने बेटे के व्यवसाय में साझेदार बनने का प्रस्ताव रखा तथा संजय को 50% रकम निवेश करने का सुझाव दिया। संजय ने चेक माध्यम से 15 लाख रुपए संदीप को दिए, लेकिन पैसे लेने के बाद संदीप और उसके बेटे ने कोई व्यवसाय शुरू नहीं किया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।